तो लाइट जाने की वजह से सब बोर हो रहे थे, सो हम एक मस्त गेम खेल रहे हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फिलहाल अभी आए हैं घर पे और 2 बज चुके हैं, लेकिन घर आते ही मस्त वाला झटका लगा क्योंकि घर पे नहीं है फिलहाल कोई, और घर के गेट पे लॉक लगा हुआ है, पता नहीं चाबी किसके पास है, मैं तो फंस गया बाहर। सो फिलहाल अभी मम्मी पापा को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं चाबी कहाँ पे है। सर लगभग तो बाज़ार में ही गए होंगे और तो कहाँ ही जाएंगे, तो फिलहाल अभी एक बार फोन करके पूछ लेता हूँ, चाबी यहीं पे है, साथ लेके गए। फिलहाल मम्मी आ गई है और गेट खोल दिया। फिलहाल भूख लग रही थी तो मम्मी ने गरम गरम रोटी बना दी है। सो लंच में मस्त आलू गोभी की सब्जी, रोटी, दूध और बिस्कुट फिलहाल खा लेते हैं एक बार। सो खाना खाते ही मैं मस्त सो गया था और फिलहाल अभी उठा हूँ, तो उठते ही मम्मी ने काम बताया कि पानी दिया जाके, तो फिलहाल चलते हैं और ये रही अपनी बाइक, फिलहाल बाहर निकालते हैं इसको। फिलहाल बाइक तो बाहर निकाल दी है और पापा जी ने ना ये खटोला ठीक किया है, पहले मतलब ढीला ढीला हो रहा था, अब बिल्कुल ही टाइट कर दिया। तो फिलहाल अभी ये खाट ठीक करके पापा जी बेहतर के, लेकिन पापा जी ना एक नई टी शर्ट लाया है उस पर एक मस्त वाला लोगो है, ये देखो, ये देखो लोगो कैसे, मतलब ऐसा लग रहा है कि फटके आ गया इस तरह। फिलहाल मैंने मेरा सेटअप कंप्लीट कर लिया है, मतलब कोई साथ नहीं जाएगा तो भी मैं आराम से ले आऊंगा फिलहाल। तो फिलहाल हो रही है सर्दी, शाम का वक्त हो रहा है और जैसे जैसे सूरज डूब रहा है वैसे वैसे सर्दी हो रही है, तो फिलहाल जैकेट डाल लेते हैं वरना तबीयत खराब हो जाएगी। फिलहाल जैकेट डाल ली है और अब सर्दी नहीं लगेगी। फिलहाल मैं तैयार हूँ पानी लाने के लिए, तो फिलहाल चलते हैं, बट बाइक पे व्लॉग करना ठीक नहीं है, तो फिलहाल सीधा नलके पे मिलता हूँ। व्लॉग में है गोलू भाई, लेकिन बहुत दिनों के बाद मिला, कम से कम 10-12 दिन के बाद, ये मतलब ड्राइविंग सीख रहा है अभी तो, सीख गया वैसे लगभग तो सीख ही गया, मतलब अभी तो इसकी एज नहीं है, लाइसेंस नहीं बना वैसे, मतलब थोड़ा थोड़ा चला लेता है। फिलहाल अभी मैं पानी लेने जा रहा था तो रास्ते में मिल गया, तो ये कह रहा है कि भैया मेरे साथ चलो, मैं कहा चल तू भी, अच्छी बात है, घूम भी लेंगे और पानी भी आ जाएगा। फिलहाल हम 3 जने जा रहे हैं, मैं, गोलू और मुकेश। मुकेश भैया फिलहाल दुकान में है, पता नहीं कुछ ले रहे हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं वहाँ पे। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is pain. तो फिलहाल आ गए हैं नलके पे, फिलहाल भर लेते हैं। ये वाली कहनी है पूरा 35 लीटर पानी आता है इसमें, तो फिलहाल भर लेते हैं एक बार। फिलहाल अभी कैनी तो भर लिया है और ड्राइविंग कर रही है मुकेश भैया, बिकॉज इनका पेट है ना ओढ़ जाएगा, इसीलिए आगे आगे कर दिया, पीछे गोलू, इसके पीछे मैं कैनी रखूंगा फिर मैं बैठूंगा। फिलहाल चलते हैं घर पे। तो फिलहाल पानी की कैनी लेके घर पे आ गए हैं और घर पे आते एक काम और कि वो पिछना टेके आनी है, कणक सिंचाई के लिए लेके आनी है, फिलहाल कट्टा उठाते हैं और बाइक पे रखते हैं। तो फिलहाल हमने दूसरा काम भी कंप्लीट कर दिया है। तो फिलहाल अभी आए थे हाईवे पे, मुकेश भाई कह रहा था कि कुछ फोटो फाटो खिंचवानी है, बाकी यार मैं एक बात समझ में नहीं आई, मतलब अंधेरा हो चुका आप देख सकते हो पूरा ही, मैं तो टॉर्च चसा रहा हूँ इसलिए थोड़ी ब्राइटनेस चेहरे पे, बाकी अंधेरा हो चुका है, इस अंधेरे में कौन सी वाली फोटो खींचेगी, कमाल है मुकेश भैया की। फिलहाल यार ये देखते हैं फोटो अच्छी आती है। तो फिलहाल अभी सारा फोटो सेशन हो गया, फिलहाल अभी चलते हैं घर पे, हमने मतलब मैक्सिमम 10 फोटोज क्लिक किए हैं। तो फिलहाल वो मुकेश भैया अभी तो फिलहाल किसी को नहीं दिखाएंगे, मतलब है तो मेरे फ़ोन में लेकिन मुझे देखने नहीं दे रही, ये खिंचवाई गोलू भाई पे है, तो मतलब ये कल अपनी इंस्टा आईडी पे डालेंगे तभी मेरे को देखने मिलेगी। फिलहाल अभी चलते हैं घर पे। फिलहाल आ गए हैं घर पे और घर पे पापा जी मम्मी जी टीवी देख रही हैं, छोटी बहन डिनर बना रही है। फिलहाल अभी मैं फ़ोन को चार्ज लगा देता हूँ, मेरे फ़ोन में 20% चार्ज रह गया, मतलब चल तो जाएगा, फिर मुझे वीडियो एडिटिंग भी करनी है ना, तो फिलहाल थोड़ी देर चार्ज लगा देते हैं फोन। फिलहाल अभी मेरे साथ पोपट हो चुका है, मैंने जैसे ही अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए मेरा चार्जिंग उठाया तभी लाइट भाग गई। फिलहाल अभी देखते हैं कितनी देर में लाइट आती है, बिकॉज बाकी देखो यार पूरा ही
चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो गया। ओ यार मैं पागलों जैसी बात करूँ, रात को तो अंधेरा ही होगा। तो लाइट जाने की वजह से सब बोर हो रहे थे, सो हम एक मस्त गेम खेल रहे हैं। मतलब जब से मोबाइल आया है ना, तब से तो मतलब गेम खेलना सब भूल ही गए। हम खेल रहे हैं हाइड एंड सीक, लुकम छुपाई। तो फिलहाल पहले साहिल की बारी थी, अब मेरी आ गई है। तो फिलहाल मतलब मैं 3 बारी ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन मेरी बारी कंप्लीट ही नहीं हो रही। कोई ना कोई मतलब छोटे बच्चे यार, समझ में भी नहीं आता, अंधेरा वैसे हो रहा है, कौन कहाँ पे है, दिखाई नहीं देता। तो फिलहाल अभी मतलब 4थी बारी में ट्राई करने जा रहा हूँ। फिलहाल अभी देखते हैं मैं किसी को ढूंढ पाता हूँ या नहीं ढूंढ पाता। मतलब आज तो ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब ये कंप्लीट ही नहीं कर पाऊँगा। अब मतलब 4थी बार मुकेश भैया ने मुझे हरा दिया, तो फिलहाल अभी 5वीं बार ट्राई करने जा रहा हूँ। मतलब मुझे तो लग नहीं रहा कि कुछ हो पाएगा, तो चलो चलते हैं 5वीं बार ट्राई करने। सो फिलहाल बच्चों के साथ हाइड एंड सीख खेल के बहुत मजा आया। मतलब यार ये बात तो सच्ची है कि जब से मोबाइल फोन आया है ना, बच्चे खेलना ही भूल गए। छोटे छोटे बच्चे भी ये कहते हैं कि मेरे पास मोबाइल हो तो मैं ये गेम खेलता। मतलब पहले जो गेम खेलते थे ना, उनको तो सब भूल ही गए। सो मतलब हमें खेलना चाहिए, और मतलब फ़ोन से थोड़ी ही दूरी बना के रखनी चाहिए। इतना भी नहीं, मतलब चलाना चाहिए लेकिन इतना नहीं कि जो पहले खेलते थे उन खेलों को भी खेलना चाहिए। सो फिलहाल अभी रात के 9 बज चुके हैं, फिलहाल डिनर कर लेते हैं। फिलहाल डिनर में मतलब ये तो मैंने ही बनाया, ये प्याज टमाटर हरी मिर्च का मिक्स बना दिया है, अच्छा लगेगा खाने में, और गाजर का अचार है और दूध है, फिलहाल खा लेते हैं। सो फाइनली डिनर तो कर लिया है, और फिलहाल अभी सारी फैमिली मिलके CID सीरियल देख रहे हैं। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे करता हूँ, एंड आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।